वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही मोटिवेट करेगी और इन्फॉर्मेशन देगी। चलो शुरू करते हैं। वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आप सभी के सामने आज एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूँ जो आप सभी को मोटिवेट भी करेगी और आप सभी को इन्फॉर्मेशन भी देगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कितना कुछ चल रहा है लाइफ के अंदर, कि पेपर आउट हुआ है कि नहीं हुआ, पेपर आउट हुआ है, सारी न्यूज़ आपने देखी होगी। तो दोस्तों, राजस्थान CHO का पेपर 19 फरवरी को हुआ था, जिस पेपर के अंदर एग्जाम से 2 घंटे पहले जो पेपर है, लगभग 80% जो क्वेश्चन थे वो 2 घंटे पहले, एग्जाम होने शुरू होने से 2 घंटे पहले बाहर आ गए थे। सभी ने देखा, इसकी जो है सारे सबूत जो है वो बोर्ड को भी सौंप दिए गए थे, SOG को भी रिपोर्ट सौंप दी गई थी, सारे काम करके देख लिए। उसके बाद भी आज 12-13 दिन गुजर चुके हैं लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, उसकी कोई रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई। ऐसे हवाला दिया गया था पहले कि रीट की परीक्षा की वजह से डिले हो रहा है, लेकिन रीट की परीक्षा भी हो गई, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी पुख्ता सबूत या पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि क्या होगा राजस्थान CHO भर्ती का। तो इतना लेट क्यों कर रही है सरकार, क्या वजह है कि इतना लेट करने की क्या वजह है? भरत बेनीवाल भाई साहब ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसकी भी आज सुनवाई थी, आज सुनवाई हुई। भरत बेनीवाल भाई साहब ने खुद पैरवी की क्योंकि जो वकीलों की हड़ताल चल रही है उसके चलते, और शायद ये एक अच्छा कदम भी था कि खुद को पैरवी करने का मौका मिला, जिससे क्या एक नर्सिंग वाला ही समझा सकता है कि नर्सिंग से रिलेटेड जो भर्ती है वो किस तरीके पर और किस लेवल के ऊपर जो है वो भर्ती आउट हुई है, वो पेपर आउट हुआ है। तो दोस्तों, सभी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा, तो अभी भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। जैसा कि आज भरत बेनीवाल भाई साहब ने पैरवी की बहुत अच्छे से, जज साहब इंदरजीत जी जो थे उनको अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, उसके बाद में जस्टिस साहब ने एक ऑर्डर जारी किया, जिसके ऑर्डर के माध्यम से राजस्थान सरकार से और जो भी बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, उनसे रिपोर्ट मांगी है। 21 मार्च तक वो है पुख्ता रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और 21 मार्च का टाइम दिया है, तो ये भी एक लंबा टाइम होता है, 21 मार्च बहुत दूर है अभी, तो इसलिए दोस्तों 21 मार्च का टाइम अभी तक मिला है। देखते हैं 21 तारीख को क्या राजस्थान सरकार अपना जो है दावा पेश करती है, SOG क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, चयन कर्मचारी बोर्ड क्या क्या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, वो तो 21 तारीख को ही पता चलने वाला है। पर दोस्तों, 21 तारीख तक जो भी है इस बात, इस जो मुद्दा है ये, इसको ठंडा नहीं होने देना। सरकार चाहती है कि जितना ज़्यादा लंबा टाइम अपन खींच लेते हैं, क्या पता बच्चे जो है बिल्कुल ठंडे पड़ जाए। ऐसा नहीं है दोस्तों, पेपर जो है लीक होने के इतने सारे सबूत पेश कर दिए गए हैं कि अब तो कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ। पुख्ता जांच की जाए, एक एक चीज को खंगाल कर अच्छे से जांच करेंगे तो बिल्कुल रिपोर्ट निष्पक्ष आएगी, पेपर निरस्त भी होगा, पेपर दोबारा भी करवाना पड़ेगा। लेकिन आप सभी हिम्मत हार कर जो बैठे हो, आप सभी बस इसी चीज़ के इंतजार में बैठे हो कि कब भर्ती की सूचना आए कि पेपर रद्द हो गया और हम तैयारी करने लग जाएं, जो एक बहुत ही गलत डिसीजन है आपका। आज 12-13 दिन गुजर चुके हैं, आप सभी ने पढ़ाई शुरू नहीं की है। जिन बच्चों ने पढ़ाई शुरू कर दी है वो फायदे में रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा जिस तरीके से भरत बेनीवाल भाई साहब जो है अपनी पैरवी कर रहे हैं, अपना साथ दे रहे हैं, उस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि ये पेपर को दोबारा करवाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है और होना भी चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम उनका सपोर्ट करते हैं। इस पेपर को जो है दोबारा अगर करवाती है सरकार तो 21 मार्च को जो निर्णय आएगा, तो हो सकता है कि विद इन 1 मंथ के अंदर ये पेपर दोबारा भी करवाया जा सकता है। तो आप सभी से मेरा एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप पढ़ाई को जारी रखें, आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपकी प्रॉपर पढ़ाई करवाई जा रही है, जो शानदार सेशन आपको करवाए जा रहे हैं, तो पुराने सेशंस भी आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ करवाया हुआ है, तो आप रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी करें, उनके नोट्स बना लें। क्योंकि दोस्तों,
पेपर दोबारा होगा कि नहीं होगा उसका डिसीजन तो आ जाएगा, बट आपका टाइम जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो आप अपने टाइम को सेव करके रखें, अपना जो टाइम है उसको वेस्ट ना करें। बिल्कुल आप तक न्यूज़ आ जाएगी, घर बैठे आप तक ये न्यूज़ पहुंच जाएगी कि पेपर का क्या होने वाला है, क्या दोबारा पेपर होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि सर हम तैयारी करें या छोड़ दें, पेपर का क्या चल रहा है। तो दोस्तों अभी तक इसके कोई अपन पुष्टि नहीं कर सकते अपनी तरफ से कि पेपर होगा कि नहीं होगा, लेकिन अपन इतना कह सकते हैं कि दोस्तों आप पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखें, क्योंकि आप लगातार अगर पढ़ते रहोगे, पढ़ाई के साथ जुड़े रहोगे, तो ही आपको बेनिफिट होगा आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। नॉट ओनली CHO बट आल्सो और बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। CHO की भर्ती सब जगह आएगी, हर स्टेट में भर्ती आएगी, तब भी यही चीज़ें काम आएगी। अगर अभी से आप कंटिन्यूटी बना के रखते हो, अपने फ्लो को मेंटेन रखते हो, प्रॉपर वे में पढ़ाई करते रहोगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहोगे, तो आप ज़रूर कामयाब हो जाओगे। और रही बात दोस्तों पेपर होना नहीं होना, वो तो जल्द ही डिसाइड हो ही जाएगा। जैसे जैसे ये टाइम ज़्यादा निकालते जा रहे हैं, थोड़ा सा घबराहट होने लगी है कि क्या पता क्या करेगी सरकार, क्या सोच है सरकार की, क्या करना चाहती है सरकार। तो दोस्तों आप इस चीज़ से चिंतित ना होएं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आप अपनी पढ़ाई को प्रॉपर जारी रखें एक प्रॉपर वे के अंदर। आप राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आप घबराए नहीं, जो होगा अच्छा होगा, सबके साथ न्याय होगा और पेपर दोबारा होगा। हम ये पूरी कोशिश करते हैं, अपने को भरत बेनीवाल भाई साहब का पूरा पूरा साथ देना चाहिए और इस पेपर को दोबारा करवाने में उनका प्रॉपर जो है मार्गदर्शन में अपने को रहना है, तरीके से काम करना है। पढ़ाई को जारी रखते हुए आप अपने काम को करें। जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं कि सर मनी की कमी है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम प्राइवेट जॉब छोड़ चुके हैं, क्या करें, करें कि नहीं करें वापस ज्वाइन, तो दोस्तों आप प्राइवेट जॉब करते हो तो आप अपनी जारी रख सकते हो, बट उसके साथ साथ आपको कंटिन्यू आपकी स्टडी भी जो है जारी रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों राजस्थान CHO दोबारा होने के मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि जैसे जैसे ये भर्ती जाएगी थोड़ी कोर्ट के चक्कर में आ गए हैं, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी जो होगा अच्छा होगा, आप सभी का अच्छा होगा, न्याय होगा सभी के साथ। बस आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर रहें, ताकि आपको बेहतरीन से बेहतरीन जो है रिजल्ट मिले। और आप सभी जो दोस्तों कोई भी अगर आपको क्योरी हो, आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आपके साथ है, आपके फ्यूचर में हमेशा आपके साथ रहेगी और आपकी हर खुशी में हर दुख में आपका साथ देगी। तो राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें और जो भी अपडेट होगी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, आपको हर एक अपडेट राजस्थान CHO से लेकर नर्सिंग में आने वाली तमाम भर्तियों की जो अपडेट है वो भी आपको यहाँ पर मिलने वाली है और आपको हर एक चीज़ की तैयारी यहाँ पर शानदार तरीके से करवाई जाएगी। तो दोस्तों आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे और अपने एक प्रॉपर वे के अंदर आप अपनी स्टडी को स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएं। अभी आपके पास टाइम है और टाइम का जो है सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। आप हाथ पर हाथ धर के ना बैठे रहें कि क्या होगा, जब भर्ती रद्द होगी, डेट आएगी, तब अपन पढ़ाई शुरू करेंगे, तब तक आप बहुत पीछे हो जाओगे दूसरे लोगों से। तो राजस्थान के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप अच्छे से स्टडी करें, ईमानदारी से पढ़ें और आपको कोई भी गाइडेंस की जरूरत हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। आपको जो है मैं फ्री होते ही आपको वापस जो है इसका रिप्लाई जरूर करूँगा, आप मैसेज भी कर सकते हैं। और साथ बना के रखें दोस्तों एक दूसरे का, हिम्मत ना हारे और प्रॉपर वे में जो है अपना काम करते रहें। जो भी अपडेट आएगी नई राजस्थान CHO भर्ती से लेकर, तो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसके लिए आप राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें और शानदार तरीके से अपनी स्टडी को जारी रखें। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा संदेश आप सभी के लिए, आप सभी को मोटिवेट करने के लिए कि आप जो निराश हताश होकर बैठे हैं, सोच रहे हैं कि सर पता नहीं क्या होगा, CHO होगा कि नहीं होगा, तो उस पर ध्यान न देते हुए आप प्रॉपर वे में अपना काम है कर्म करने का, फल अपने आप मिल जाएगा। फल की इच्छा ना करें, कर्म करते चलें, फल जरूर मिलेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन मिलेगा जरूर। तो दोस्तों इसी बात को मैं विराम देते हुए
इस वीडियो को, और आप सभी से एक बार फिर से विनम्र निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़ के कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी पर आपको प्रॉपर वे में वापस से जो क्लासेस शुरू कर दी जाएगी, आप प्रॉपर वे के अंदर उस क्लासों को लें, पढ़ाई जारी रखें अपनी, और सभी को राम राम। थैंक यू सो मच। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं दोस्तों वीडियो के अंदर। थैंक यू। फॉलो करें राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी को, और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू सेशन आपको, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, इसके अलावा थ्योरी का सेशंस भी रहने वाला है और एमसीक्यू सेशन।